हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का उत्तर क्या है। देखिए आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी इस तरह के प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन एक आज आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा आज, ठीक है। टास्क ये रहेगा कि आज आप जब ये पूरा 10 क्वेश्चन देखने के बाद जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो अपने आप में बहुत ही टफ है, ठीक है। लेकिन याद रखिए अगर चीजें टफ होती तभी मजा आता, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे क्वेश्चन को मैं यहां पर रखा हुआ हूं, ठीक है। तो लास्ट में आपको पता चलेगा, फिलहाल चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ ने निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिए पूरा अफ्रीकी संघ यहां पर अफ्रीका देश में, और यहां का एक देश है सूडान, ठीक है। तो याद रखिए सूडान को दोस्तों अफ्रीकी संघ ने क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया गया था इसके द्वारा। तो ये हम लोगों का कल क्वेश्चन ऑफ द डे था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है याद रखिए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पद के कार्यकाल में विस्तार करने के लिए 60 वर्ष पुराने नियम में बदलाव किया है। यानी कोई बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है। अगर सरकार 60 साल पुराने नियम में बदलाव कर रही है इसका मतलब है कि सरकार के लिए जरूरी होगी चीजें। अब बात आती है कि ऐसा क्या था। तो दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पर कि मोदी जी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। क्या हैं? कैबिनेट सचिव के पद पर है। इनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार सिन्हा इनका नाम है, ठीक है। तो देखिए प्रदीप कुमार सिन्हा जो हैं दोस्तों ये भारत के क्या है, कैबिनेट सचिव थे, पिछले समय में थे कैबिनेट सचिव। अब जो है इनका कार्यकाल हो गया था पूरा, और पूरा होने के बाद फिर इनको हटना पड़ता, फिर कोई नया दूसरा व्यक्ति आता, ठीक है। ये नियम होता है, यानी दोबारा ये चुन के नहीं आ सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो मोदी जी ने क्या किया कि इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया, जबकि ऐसा नियम नहीं था। हाँ एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैबिनेट सचिव जो होते हैं ये नॉर्मली केवल 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने साल के लिए? केवल 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और जो हमारा अखिल भारतीय सेवा नियम है जो कि 1958 में आया था, वो इस बात को बताता है कि कोई भी कैबिनेट सचिव जो 2 साल अपना नियुक्ति का पूरा कर चुका हो, अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो, अगर सरकार उचित समझे तो इसके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो याद रखिए सरकार ने क्या किया था कि इनके 2 साल के कार्यकाल को और बढ़ा दिया था, मतलब ये 4 साल तक अपने पद पर रहे थे, कैबिनेट सचिव के पद पर लगातार 4 साल तक थे। लेकिन अब सरकार को जरूरत पड़ी तो सरकार ने 3 महीने का और विस्तार दे दिया। यानी अब इनका अगर टोटल महीना हम लोग काउंट किया जाए दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा, याद रखिए 4 साल 3 महीना हो जाएगा। कितना? 4 साल 3 महीना। तो इतना बड़ा बदलाव जो है किया गया है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा, यहीं से संबंधित है, आपके कैबिनेट से संबंधित। आपके कैबिनेट में गृह मंत्री चुने गए हैं अमित शाह जी, ठीक है। अमित शाह जी के अपने निजी सचिव जो होते हैं, ठीक है, वो बना कौन बने हैं तो याद रखेगा उनका नाम है साकेत कुमार, उनके बने हैं निजी सचिव, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक और याद रखेगा, स्मृति ईरानी, ठीक है, जिनके पास महिला एवं बाल विकास भी कल्याण मंत्रालय है, इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी उनके पास है। तो स्मृति ईरानी के जो पर्सनल सचिव बनाए गए हैं, ठीक है, वो कौन बनाए गए हैं? यम इम कोंगला जमीर। जमीर याद रखिए, अच्छा है, ठीक है, जमीर याद रखिए। तो स्मृति के पर्सनल सचिव बनाए गए जमीर, ये 2 प्रश्न आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय कहां खोला गया, ठीक है। तो याद रखिए भारत का पहला, मैं जब भी भारत में कुछ नया होता है ना तो मैं चाहता हूं आप लोग उसके बारे में जानिए, ठीक है। तो भारत में अपना पहला डायनासोर संग्रहालय खोला है, यह कहां पर खुला है? तो याद रखिए दोस्तों यह खुला है गुजरात में, ठीक है। कहां पर खुला है? तो यह गुजरात में खोला गया। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये गुजरात में खोला गया, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों, अब मैं करीब 1 महीना पहले आपको ये प्रश्न पढ़ा चुका था कि भारत में एक डायनासोर पार्क भी खोला गया था, एक डायनासोर पार्क खोला गया था जो कि भारत का पहला डायनासोर पार्क था। याद रखिए दोस्तों वो जो पार्क था ना वो भी यहीं पर था जहाँ पर यह डायनासोर म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। तो पार्क भी वहीं पर, मतलब कि इस म्यूजियम के बाहर एक पार्क होगा जो डायनासोर पार्क होगा, उसमें ढेर सारे डायनासोर को बनाया गया है, ठीक है, याद रखिए। और बाकी यहाँ एक म्यूजियम भी बना है। अब बात आती है
म्यूजियम बना कहाँ है, तो गुजरात में बना है। गुजरात में कहाँ बना है, किस जिले में बना है, तो याद रखिए वहाँ पर एक जिला है महीसागर जिला। कौन सा? महीसागर जिला में बना है। वहाँ पर महीसागर जिले के अंदर एक गाँव है रियोली गाँव, ठीक है। तो याद रखिए रियोली गाँव में यह जो है डायनासोर संग्रहालय बनाया गया, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अब जो है भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास अपना डायनासोर म्यूजियम है। दो देश इसके पहले भी डायनासोर म्यूजियम बना चुके हैं, भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? ओपी कोहली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किस राज्य को चुना गया है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पांच राज्यों का चुनाव इसमें हुआ था, उस पांच में से किसी एक को चुना जाना था, तो वो उस पांच में से एक को चुन लिया गया है, वो है झारखंड का रांची। याद रखिए झारखंड का रांची जो है वो ये राज्य है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का रांची, रांची में आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोदी जी खुद आएंगे हिस्सा लेने के लिए। रांची में एक स्टेडियम है जिसका नाम है प्रभात तारा स्टेडियम। क्या नाम है? प्रभात तारा स्टेडियम। ये प्रभात तारा स्टेडियम में ये योगा किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और योगा दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? तो 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों बात आ गई झारखंड की, तो एक दो पुराने क्वेश्चन को आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। देखिए झारखंड के बारे में भी आपने सुना था, वहाँ पर धनबाद है। धनबाद जो है वो 4G नेटवर्क के मामले में भारत का पहला राज्य है जो कि सबसे हाई स्पीड 4G नेटवर्क देता है, ये याद रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यहाँ की महिला राज्यपाल हैं, जो कि भारत में एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें हाल ही में किस मंदिर ने पहली बार अपनी संपत्ति का खुलासा किया है? आज तक इस मंदिर ने कभी खुलासा नहीं किया था, पहली बार किया है। और ये मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर। आप सभी को पता होगा पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है, ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल ठीक की राजधानी है, वहाँ पर है पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, और इस मंदिर ने अपना खुलासा किया। तो दोस्तों आपको ये भी जानने का मन होगा कि अगर खुलासा किया है तो इसके पास कितनी संपत्तियाँ हैं? तो याद रखिएगा 120 करोड़ रुपये इस मंदिर के पास कैश फॉर्म में है, ठीक है, इतने रुपए कैश फॉर्म में है। इसके अलावा लगभग 10 किलो का सोना, यानी अगर एग्जैक्ट आंकड़ा बताए तो 9.276 किलो जो है सोना इसके पास है, और 31 किलोग्राम के आसपास 31.6 केजी है टोटल, ठीक है, इतना जो है चांदी है। याद रखें 9.276 केजी जो है गोल्ड है, और 31.6 केजी आपका सिल्वर है। 120 करोड़ रुपए कैश में है किसके पास? आपके पशुपतिनाथ मंदिर के पास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति की दांत पारदर्शी होती है? यह भी हाल ही की खोज में वैज्ञानिकों ने दावा किया है, और उस दावे में एक मछली का नाम सामने आया है जिसके पास जो दांत है वो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब क्या होता है? आप उस दांत के आर पार देख सकते हैं। हमारे दांत भी तो हैं, हम तो आर पार देख नहीं सकते, लेकिन इस मछली के जो दांत हैं ये पारदर्शी दांत हैं। अच्छा, तो आपको मन होगा जानने का दोस्तों कि इस मछली का नाम क्या है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि इस मछली का नाम क्या है। तो याद रखिए इस मछली का नाम है ड्रैगन फिश। क्या नाम है? ड्रैगन फिश, ठीक है। इसके जो दांत होते हैं पारदर्शी होते हैं, कोई दिक्कत। एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, एक नया डेटा आया है कि 2018 में टोटल भारत में कितनी नई जंतु एवं प्रजातियों के खोजे गए, नए जितने जीव जंतु और प्रजाति खोजे गए उनकी संख्या कितनी है? तो 596 नए जीव जंतु और प्रजातियों की खोज 2018 में भारत ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएनएसटी इंटरनेशनल के अम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, याद रखिए ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा। आप कहानी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई ये प्रश्न आने लायक है। दोस्तों देखिए जो बच्ची आप देख रहे हैं, ठीक है, यह भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और इनका नाम है ग्रेटा थेनबर्न। क्या नाम है? थनबर्न नहीं, थेनबर्न नाम है, ठीक है, ग्रेटा थेनबर्न। इनका घर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्वीडन की रहने वाली है, ठीक है, स्वीडन याद रखिए स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की रहने वाली है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन की रहने वाली है। और ये लड़की करती क्या थी? अच्छा सोचिए, इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में इतनी बड़ी बात आई कैसी होगी, ठीक है। जब ये स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी ना, तो क्या करती थी कि हर एक फ्राइडे को
स्कूल जो है अपना गैप कर देती थी, ठीक है, और हर एक फ्राइडे को ये चली जाती थी जो स्वीडिश पार्लियामेंट है उसके सामने, ठीक है, उसके सामने अपने बैग वगैरह को लेके पहुंच जाती थी। और क्यों पहुंचती थी? क्योंकि अपने फ्राइडे को क्या करती थी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से अपने पूरे फ्राइडे को यह अलग कर ली थी। इस दिन स्कूल न जा करके ये स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने जाती थी, वहाँ बैठी रहती थी और वहाँ जितने लोग भी आने जाने वाले होते थे उनसे निवेदन करती थी कि क्लाइमेट के लिए कुछ कीजिए, अगर ऐसा ही रहा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ये बहुत प्रभावित होंगी, प्लीज़ आप लोग इन्वायरमेंट के लिए कुछ कीजिए, इन्वायरमेंट को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी रक्षा कैसे करें, मतलब कुल मिला जुला करके पर्यावरण के बारे में इस बच्ची ने बहुत जो है सोचा। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उस पार्लियामेंट के पास जो और भी स्कूली बच्चे आ रहे थे वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ते गए और देखते ही देखते ये पूरे यूरोप में फेमस हो गई, ठीक है, ये बच्ची पूरे यूरोप में फेमस हो गई। लोग हर फ्राइडे को समय निकाल करके अपने अपने देश के पार्लियामेंट के सामने आते थे और उनसे निवेदन करते थे कि आप अपने देश में इन्वायरमेंट को लेकर के कितना अलर्ट हैं, ठीक है, उसको लेकर के कितना सचेत हैं, उसके लिए काम करिए। और यहाँ तक कि इस लड़की ने मोदी जी को भी ट्वीट किया था कि मोदी जी आप भी भारत के लिए कुछ करिए, तो अपने आप में है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा किस गैर सरकारी संगठन ने 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर प्राइज जीता है, ठीक है, तो इक्वेटर प्राइज जीता है दोस्तों डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। किसने जीता है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने, ठीक है, इसने जीता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि यूएन जो है इस तरह के प्रोग्राम बार बार करता रहता है, और ये जो स्पेशल जो प्राइज है दोस्तों इक्वेटर प्राइज, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर प्राइज या तो किसी अच्छी एनजीओ को दिया जाता है या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हो उसको दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा दोस्तों कि ये जो इसको दिया गया, जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है, इसको किस काम के लिए दिया गया? तो दोस्तों ये भारत में दलित और आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा था, गरीबी के लिए काम कर रहा था, पर्यावरण के लिए काम कर रहा था, ठीक है, तो इस वजह से इसको चूज किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि यूएन ने यह पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया है, इस तरह के 22 एनजीओ और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक भारत का है, वो कौन सा है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी 21 और लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य ने 7.5 लाख यानी 7.5 लाख टन वार्षिक मछली उत्पादन के साथ देश में टॉप किया है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और याद रखेगा दोस्तों गुजरात, गुजरात ने काम किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किस राज्य का है, गुजरात नंबर एक पर है। नंबर दो अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा तमिलनाडु है। अब आपका मन होगा सर वहाँ पर कितना है, तो वहाँ पर 7.02 लाख टन है, ठीक है, वार्षिक उत्पादन मछली का। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर केरल है, ठीक है, याद रखेगा, तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है, इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, ये फीफा के दोबारा अध्यक्ष बनाए गए, यानी इसके पिछले समय में भी फीफा के अध्यक्ष कौन थे, यही थे, और इस बार के लिए भी अध्यक्ष यही चुन लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार प्रायोगिक इबोला दवा जिसका नाम है रेमडेसिविर, यह कह रहा किस बीमारी से बचने में मदद कर सकती है? दोस्तों अभी आपने एक देखिए, इबोला एक अलग है, ठीक है, इबोला रोग एक अलग है, और उसके लिए इबोला रोग के लिए जो दवा बनाई गई थी, ठीक है, उस दवा का नाम था रेमडेसिविर, उस दवा का नाम था। और आपने एक और रोग का नाम सुना होगा निपाह, ठीक है, निपाह वायरस कहाँ पे फैल रहा दोस्तों? तो ये फैल रहा है बहुत तेज़ी से केरल में फैल रहा है, ठीक है, निपाह वायरस कहाँ पे फैल रहा है? केरल में फैल रहा है, और कुछ समय पहले भी निपाह वायरस ने अपना जोर दिखाया था केरल में, और उसके बाद जो है वहाँ पर हाई अलर्ट जारी हो गया था, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे देशों ने वहाँ से अलग अलग सामानों को इम्पोर्ट करना भी बंद कर दिया था। और आपने अभी देखा था कि सऊदी अरबिया ने फिर से इम्पोर्ट चालू किया है केरला से, लेकिन अभी हाल ही में 3 से 5 मामले और देखने को मिले निपाह वायरस के, ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर से निपाह वायरस वहां पे आ रहा है। और निपाह वायरस में होता क्या दोस्तों कि जो पशु होते हैं अगर वो किसी क्या होते हैं फ्रूट को चख लेते हैं तो उनके अंदर जो वो होते हैं हानिकारक कीटाणु वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं हमारे शरीर में, तो वैसा करके है ये निपाह वायरस, एक वायरस है, बड़ा खतरनाक वायरस है, और अभी तक इसकी दवा नहीं बन पाई है। पूरे विश्व इसकी खोज कर रहा है लेकिन अभी तक दवा नहीं बन पाई है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो
इबोला के लिए जो दवा बनाई गई थी रेमडेसिविर, वो दवा निपा वायरस में काम कर रही है, ठीक है? तो ये अच्छी बात है, काम कर रही है इसलिए चर्चा में है, तो इसको आप याद रखिएगा। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपके सामने, आपका इसका जवाब देना है। कह रहा 2018-19 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको सही उत्तर ढूंढना है, ठीक है? याद रखिए फिर से क्वेश्चन, 2018-19 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? याद रखिए कमेंट करके बताएंगे, बताएंगे ना दोस्तों। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जानबूझ करके, क्योंकि आसान क्वेश्चन आप नेट पर सर्च करोगे मिल जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, मिलेगा तो पुराने डेटा मिलेंगे, और अगर नए डेटा मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कल मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर नितिन सर ने पूछा है तो आप कमेंट जरूर से करिएगा, ओके? चलिए आज के लिए आपकी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए क्या होता है ना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, आप कभी करंट अफेयर को एग्जाम के लिए मत पढ़ो मेरे भाई, आप जानकारी के लिए पढ़ो कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, क्या खोज हो रही है, भारत कहाँ जा रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन सी किताब आ रही है, किसको क्या बनाया जा रहा है, मोदी जी कहाँ जा रहा है, मीटिंग क्या हो रही है, भारत कैसे अपने भविष्य को बना रहा है, कैसे भारत आगे बढ़ेगा, आप करंट इसके लिए पढ़ा करो। पता नहीं देखता हूँ देश के चैनल बन गए हैं, करंट पढ़ने का कोई वही नहीं है, शेड्यूल ही नहीं है, और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें करंट पूछने का कोई तरीका नहीं है, कि यार पता नहीं कौन लोग पेपर बनाने बैठे हैं और उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाए। जैसे आप देख लीजिए जो कंसाइंस वाला पुरस्कार मिला है ग्रेटा थुनबर्न को, कितना इंपॉर्टेंट, उतनी छोटी बच्ची अपने कितने फ्राइडे को खर्च की होगी और अकेले अपने दम पे पूरे यूरोप महाद्वीप के इतने सारे कंट्री हैं उनको जगा देना इन्वायरमेंट के लिए, ये अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप बताओ जरा। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? या अभी हमने जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया है कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है, क्या इस तरह के क्वेश्चन बनने नहीं चाहिए? बनने चाहिए ना, तो ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होता है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, जरूरी होते हैं। अभी कैबिनेट सचिव के लिए कार्यकाल चेंज किया गया, कितने लोगों को तो नहीं पता होगा कि कैबिनेट सचिव का जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है और सरकार एडिशनल 2 साल बढ़ा सकती है, उसके बावजूद भी 3 महीने और बढ़ाने के लिए काम किया गया प्रदीप कुमार सिन्हा जी के लिए। तो अगर ये काम हो रहा है तो पूछे ना सरकार, पूछे तभी तो हम बताएंगे, तो ये आप याद रखिए। तो करंट अफेयर हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए, कुछ नया सीखने और नया जानने को लेकर चलिए, ठीक है? चलिए इसी के साथ हमारी ये सीरीज समाप्त होती है। जो लोग नए हैं वो ध्यान देंगे कि यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस तरह की कुल 3 सीरीज हम लोग चलाते हैं, एक तो 10 क्वेश्चन की सीरीज चलती करंट अफेयर की, दूसरी 25 क्वेश्चन की सीरीज चलती है आपकी जीएस टेस्ट की, और तीसरा 30 क्वेश्चन की सीरीज चलती है जीएस में सॉरी साइंस के क्वेश्चन की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होते हैं। आप तीनों सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से अगर आप टैलेंटेड ना हो गए तो बता देना। 1 महीना आप लगातार सीरीज को देख के दे, 1 हफ्ता छोड़ो, 1 महीना छोड़ो यार, 2-4 दिन करके देखो, आपको अपने अंदर अगर सुधार न मिलने लगे तो बताना, ठीक है? चलिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, ओके।